नमस्ते और स्वागत है आप दिल्ली लल टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम है अभिषेक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि सरकार लॉकडाउन को बेहतर प्लानिंग के साथ लागू नहीं कर पाई, इसलिए ये फेल रहा। अब कुछ कुछ इसी तरह की बात एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कही है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। डॉक्टर गुलेरिया ने इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन से कई मायनों में फायदे रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे केसेस एकदम से कम हो गए हों। डॉक्टर गुलेरिया ने इसके लिए सरकार को नहीं बल्कि लोगों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि लॉकडाउन का जितना गंभीरता से पालन किया जाना चाहिए था उतना लोगों ने नहीं किया। फिर बात आई कि क्या इसका पीक आ चुका है या आना बाकी है। इस पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस पीक अभी आना बाकी है। मैं मानता हूं कि देश में केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी आबादी को देखते हुए तो ये लाजमी था। हम इस मामले में भारत की तुलना यूरोपीय देशों से नहीं कर सकते। यूरोप में 2-3 देशों को मिलाकर जितनी आबादी है उतनी आबादी तो अकेले भारत की है, फिर भी हमारा मृत्यु दर यूरोप से कम है। फिर बात हुई कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। इस पर डॉक्टर गुलेरिया ने जवाब दिया कि हाँ। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के हॉटस्पॉट्स में इसकी संभावना है। यूं तो देश के 10-12 शहर कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे में है, लेकिन पूरा देश नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग बेशक काफी जरूरी है, लेकिन इन्फेक्शन को रोकने का इकलौता तरीका यही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोगों को ध्यान रखना होगा, फेस कवर करना होगा, मास्क लगाना होगा। इसके बाद सवाल आया कि दिल्ली के हॉस्पिटल किसके हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक नई डिबेट छेड़ दी है। उनका कहना है कि कोरोना काल तक के लिए दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के मरीजों का इलाज होना चाहिए। इस पर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई स्वास्थ्य सुविधा उनके अपने राज्य में नहीं मिल रही है और नेशनल कैपिटल रीजन में ये सुविधा मिल रही है तो हम उसे मना नहीं कर सकते, वो भी इंडियन है और वो भी बीमार है। और भी जो अपडेट्स होंगी, जो खबरें होंगी कोरोना से जुड़ी, कोरोना से इतर, वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली लल्लन टॉप का Google Play Store पर ऐप भी है, ऐप डाउनलोड करके वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।